नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। रोहतास से हमारे संवाददाता राजू सिंह की रिपोर्ट। रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड मुख्यालय में एक निशुल्क माँ सरस्वती देवी पुस्तकालय एवं वाचनालय का उद्घाटन सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के प्रधानाचार्य सजंगलेश प्रसाद चौरसिया ने किया। इस पुस्तकालय एवं वाचनालय के संस्थापक ओम प्रकाश ने बताया कि हमने बहुत पहले ही सोचा था कि आज इसे अच्छे सोच को पूरे तिलौथू प्रखंड के सभी गांवों के बच्चों को देश के नाम रोशन करने के लिए सोच रखा है। उनका कहना है कि चंद्रपुरा गांव को ही नहीं तिलौथू प्रखंड के सभी गांवों को अपना गांव मानता हूं। मेरा सोच है कि इस प्रखंड के बच्चे IAS, IPS और डॉक्टर वैज्ञानिक शिक्षक बनकर अपने प्रखंड का नाम रोशन करें। ओम प्रकाश ने मंच के माध्यम से बताया कि हमको राजनीति नहीं करनी है, हम एक सिर्फ समाज सेवी हूँ। हमारा सोच है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना है। शशि भूषण प्रसाद, भाजपा युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष, विश्वजीत कुमार, सुनील गोस्वामी, समाज सेवी सत्यानंद कुमार एवं दर्जनों की संख्या में अन्य लोग भी उपस्थित थे। बैठ के पढ़ते हैं और बाकी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है और इंग्लिश की शिक्षा दी जाती है। देखिए, आज के युग में एजुकेशन का बहुत ही महत्व है। हम लोग बिहार में पूरी स्थिति करते हैं कि अधिकतर सरकारी स्कूल है, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल ये वो स्टैंडर्ड नहीं है जो कि पढ़ाई की होनी चाहिए। इसी जोर के साथ मेरे कि बच्चों को इंग्लिश और कंप्यूटर के आने की मातृभाषा बहुत जरूरी है। मेरा मेन फोकस है इंग्लिश और कंप्यूटर। बाकी सब तक स्कूल में पढ़ाई होते हैं, मैथ पढ़ाई होती है, साइंस पढ़ाई होती है, सब होती है, क्योंकि जमाने के साथ चलना चाहिए। जमाना है आज के दिन कंप्यूटर जो है, बिना कंप्यूटर अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। आगे चल के कंप्यूटर का महत्व बहुत ही ज्यादा होने वाला है। जो भी एग्जाम होंगे, चाहे आपके स्कूल कॉलेज के एग्जाम हो, चाहे योगी एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, सब ऑनलाइन एग्जाम होंगे। इसी सोच के मैं इस काम को शुरू किया हूँ। मैं उसके बाद मैं यहाँ इस काम को शुरू कर रहा हूँ आपसे, इसमें हमको आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, सभी लोगों का सहयोग चाहिए, सबके सहयोग से। देखिए, मेरा अभी बहुत सारा एम है, मैं बहुत सारा एम लेके चल रहा हूँ। ये अपने प्रखंड को, पूरे प्रखंड को मैं अपना गांव मानता हूँ। पूरा तिलौथू प्रखंड जो है वो मेरा गांव है। जैसे डॉक्टर विजय प्रकाश मीडिया पूछते हैं, डॉक्टर विजय प्रकाश का उपयोग तो हम लोग जानते होंगे, पटना में है, बहुत अच्छे डॉक्टर है देख के। लेकिन कोई भी बाहर का आदमी अगर बोलता है कि विजय प्रकाश के बारे में बात करें तो उसको मैं बोलता हूँ कि मेरे गांव के हैं वो, तो बहुत बहुत खुशी होती, उन लोगों को खुशी होती है कि आपके गांव के इतने बड़े डॉक्टर हैं, बहुत सारा अच्छा काम है आपका। अगर हम लोग का भी उनके चलते धनु पड़ जाता है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अपने पूरे प्रखंड में IAS हो, IPS हो, SP बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, समाज में हर तरह के जो भी लोग अच्छे पोस्ट पर है हमारे गांव से, मतलब हमारे प्रखंड से लोग आगे आवे और बने। यही सोच के मैं कुछ काम शुरू किया हूँ। आपका सबका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग रहेगा तो और भी काम है, आप लोग को कहीं हम लोग बात करेंगे, सबको साथ मिलेंगे, सबको साथ में करेंगे इस चीज को। इसलिए सबका मेरा आप लोगों का सहयोग चाहिए। और बच्चों से मेरे क्या कहना है, बच्चों देखिए, बच्चों में है गुण है, बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, उनमें है टैलेंट, लेकिन कुछ अभाव में, कुछ अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलने से, कुछ पैसे का अभाव से वो बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो उनको पहुंचना चाहिए था वहां पर। मेरा यही प्रयास है सबको साथ लेके कि जो भी बच्चे हैं अपने सबको आगे बढ़ाया जाए, उनको समझाया। धन्यवाद।